मत हो हताश, तू इंसान है, तू चाहे तो तेरे कदमों में सारा जहान है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकार करता है उसका जीवन निखर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं है, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद, किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। देर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से महल बना लेता है। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। तो मेहनत तो कर, सपने भी मजबूर हो जाएंगे। सच होने के लिए जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। इंतजार कर मौके का, हिसाब होगा हर एक धोखे का। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। ये दुनिया जंगल है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदा वही रहता जो बचना नहीं मारना जानता है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ लाखों इंसान हैं। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेगा। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह काम नामुमकिन ही लगता है।
रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सपनों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि महान लोगों का कहना है अगर आपने सपनों का दमन कर दिया तो समझो आपने खुदकुशी कर ली। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे उजड़ी हुई दुनिया के अंधकार को मिटाया जा सकता है। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना हो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अपनी चुप्पी से सभी को खामोश रखिए और फिर ऐसा झटका दीजिए कि सब कुछ 440 वोल्ट का कर्ट लगे। जिन्हें शौक था अखबारों के पन्नों पर बने रहने का, वक्त गुजरा तो रद्दी के भाव बिक गए। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। सोच हमेशा ऐसी रखो कि जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। सूखे पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बटोरते हैं और आग लगा देते हैं। जीवन में जो समझ खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। प्रयास के बिना हर छोटी समस्या भी पहाड़ के समान ही नजर आएंगी। आप आज क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक दिन आज दांव पर लग चुका है। खुशी थोड़ी देर के लिए सब्र देती है, और सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। कभी पत्थर की ठोकर से भी चोट नहीं आती, कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। बुरा वक्त किसका नहीं आता, लेकिन समझदार इंसान रास्ता बनाता है और कमजोर इंसान एक बहाना बनाता है। लोग सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदल पाते हैं, और जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल सकता है। जिंदगी में अगर हारने से डर लगता है तो कभी जीतने की उम्मीद मत करना, क्योंकि जीत हासिल करने के लिए मेहनत और लगन के साथ जुनून और सरफिरा भी होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कुछ लोगों की यही दिक्कत है कि वह अपने लक्ष्य के बारे में बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिस तक जाने का कोई रास्ता ना हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अपने रास्ते हमेशा खुद चुनना, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई और नहीं जानता। अगर आप जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत लोगों को देंगे तो वो आपको गिरा हुआ समझेंगे। इसीलिए कभी किसी की बातों में आकर हिम्मत मत हारना, क्योंकि जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से हार की शुरुआत होती है। जब मंजिल तुम्हारी है तो उसके लिए मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुमको ही करनी पड़ेगी। कभी किसी से मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि उम्मीद ही हमेशा दुख देती है। बीते समय को भूल जाए, लेकिन पुरानी गलतियों से मिली शिक्षा को कभी ना भूले। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं
जब आप कुछ नहीं करते। तब तक परिश्रम करते रहो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। अधिकतर लोग तब प्रयास करना छोड़ देते हैं जब वे सफलता के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने मन को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प होता है, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। यदि तुम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के आकांक्षी हो तो सबसे नीचे से चढ़ना शुरू करो। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। आपको जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना है, दोस्ती सबसे करना पर भरोसा सिर्फ खुद पर करना है। जीत निश्चित हो तो काया भी लड़ सकते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।